जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, यानी कि MES नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में एक और अपडेट आया है। क्योंकि पहले मैंने जब आपको दो दिन पहले अपडेट किया था, उस वक्त आपकी वैकेंसी 3553 थी, बट यहाँ पर अब जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 6670 कर दी गई है। तो उसी के संबंध में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि क्या इसका एलिजिबिलिटी है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ में, और आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे या ऑफलाइन, एंड आप लोग कब से इस फॉर्म को भर पाएंगे ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि क्या आपको आगे भी इस भर्ती के बारे में अपडेट चाहिए, ताकि आपसे इस भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट मिस ना हो और जब भी ये भर्ती आए आप लोग मेरे द्वारा दिए गए अपडेट को ध्यान में रखते हुए इसके फॉर्म को भर पाए। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहां पर माफी चाहता हूं, पहले इसमें 3553 नहीं बल्कि 3853 पद थे, जो कि अब यहां पर अपडेटेड नोटिफिकेशन के साथ में 6670 हो गए हैं। इन वैकेंसी का जो प्रूफ है वो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सबसे लास्ट में आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल आपके 6670 पद निकाले हैं। अब चलिए हम इसी भर्ती के बारे में यहां पर डिटेल्ड में बात करेंगे। इसमें दोस्तों जो आपकी पोस्ट रहेगी, पोस्ट इसमें आपकी काफ़ी सारी है, जैसे कि यहाँ पर आप उनके नाम देख सकते हैं, जैसे कि JE सिविल, JE ये बेसिकली आपके जो डिसिप्लिन है वो है JE के। मेन पोस्ट आपकी JE की होगी, ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट भी होगी, सुपरवाइजर की भी पोस्ट होगी, SK सेकंड की पोस्ट होगी, UDC SAA की पोस्ट होगी, LDC JAA की पोस्ट होगी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट होगी, CMD OG की पोस्ट है, MTS की पोस्ट है, CHOW चौकीदार की यहाँ पर पोस्ट है, मीटर रीडर की पोस्ट है, कैनमैन की पोस्ट है, और मेट SSK की भी आपकी पोस्ट है, जो कि आपकी सबसे ज्यादा है, जिसके लिए 3563 पद निकाले हैं। बेसिकली टोटल आपके 6670 पद निकाले गए हैं। फिर बात आती है दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो यहां पर जैसे कि मेट SSK की पोस्ट है, जिस पर 3563 पद है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, या फिर अगर आपके पास ITI पास सर्टिफिकेट है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीज कंपलसरी नहीं है, और का मतलब इंग्लिश में होता है यानी कि या तो 10वीं या फिर ITI। तो अगर आपने 10वीं पास की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने 8वीं के बाद में ITI की है तो आप ITI के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास 10वीं है या नहीं है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने 10वीं पास कर ली है, फिर आपके पास ITI है या नहीं है, तब भी आप अप्लाई इस पर कर सकते हैं। SK सेकंड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है, स्टेनो 2 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास, और साथ ही स्किल टेस्ट भी मांगा है, जिसका जो क्राइटेरिया है वो यहां पर रखा है। UDC की पोस्ट पर डिग्री की योग्यता मांगी जाएगी, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री की है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। LDC की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता और टाइपिंग मांगी जाएगी, टाइपिंग कोई एक आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश की चाहे हिंदी की। अगर इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, अगर हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में ये मैटर नहीं करता कि कौन सा फॉन्ट हो, चाहे आप मंगल फॉन्ट पर करें या फिर कृतदेव पर, दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे। फिर CMD OG की पोस्ट पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, पीयून की पोस्ट पर भी सिंपली 10वीं पास की योग्यता, कोई परसेंटेज लिमिट भी नहीं रखी है, चौकीदार की पोस्ट पर भी यहां पर 10वीं पास की योग्यता रहेगी, और सफाई वाला की पोस्ट पर भी 10वीं पास की ही योग्यता होने वाली है। CHOW KH की पोस्ट पर यहां पर मैट्रिकुलेशन की योग्यता, एंड आपको बोला है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग के अंदर या फिर कैटरिंग के अंदर। जैसे कि आप यहां पर CHOW KH की पोस्ट देखेंगे, इसमें यहां पर आपको बोला है एंड का मतलब है और, अगर यहां पर और होता है तो होता कि या तो आप 10वीं पास हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, बट यहां पर 10वीं भी आपके पास होनी चाहिए और कुकिंग या कैटरिंग के अंदर डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आता है कैनमैन, तो कैनमैन पर भी आप देख सकते हैं 10वीं पास की योग्यता और यहां पर और, यहां पर दिया है एंड और यहां पर दिया है और, इसका मतलब यह है कि या 10वीं या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीटर रीडर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। अब गाइस यहां पर आती है सैलरी, तो सैलरी आपको इन सभी ट्रेड पर जो
दी जाएगी वो बेसिकली 5,200 रुपये से लेकर के 20,200 दी जाएगी। सभी ट्रेड पर ये सैलरी नहीं होगी, जो आपकी डिग्री वाली क्वालिफिकेशन की पोस्ट हैं उन पर थोड़ी आपकी हायर सैलरी होगी। डिटेल्ड पोस्ट वाइज सैलरी की जानकारी अभी नहीं आई है, वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के आने पर आ जाएगी, तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बट अगर आप एग्जाम्पल के रूप में या एक्सपेक्टेडली जानना चाहते तो आपकी कम से कम इतनी सैलरी होने वाली है, और ये फुल्ली परमानेंट भर्ती है, तो फुल्ली परमानेंट भर्ती पर अगर इतनी सैलरी है तो काफ़ी रहती है, क्योंकि इसमें आपको जो अलग से फंड है वो भी मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, इसके अलावा आपको फिर बाद में पेंशन भी मिलती है। जैसे कि अभी आपने जाना कि अग्निवीर स्कीम आई है, तो कुछ ऐसा इसके अंदर नहीं है, यह कंप्लीट परमानेंट भर्ती होगी। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपका रिटर्न एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, ये आपको OMR बेस्ड होगा, और आपको एग्जाम करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्जाम के अंदर आपके टोटल 125 होंगे, और नंबर आपको उसके लिए 100 दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 0.25 की होगी, और ये जानकर के मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, और आपको बताते हुए भी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना है जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो फिर तो आपको सिर्फ एक अद्भुत कला के ऊपर थोड़ा सा विराम लगाना है 1-2 घंटे के लिए, बाद में चाहे फिर कहीं पर कुछ भी तुक्का लगाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। फिर आता है आपका पैटर्न, तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से यहां पर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स यानी कि जो आपका एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, उससे आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और आपको 50 नंबर एग्जाम के अंदर देख इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम सिटी आपकी ये रहने की जो कि यहाँ पर मेंशन की गई, जैसे कि देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, गांधीनगर, कोची, ये सभी वो सिटीज़ है जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं। ये अब देखना होगा कि जब आप इसमें फॉर्म को भरेंगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस चूज करने का, या फिर ऑटोमेटिकली आपके नियर बाई लोकेशन पर आपको एग्जाम सेंटर दिया जाता है। ये देखने वाली बात है जो कि टाइम आने पर मालूम चल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यू इसके लिए 100 होगी, एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी, और मैंने थंबनेल के ऊपर लिख दिया था गर्ल्स भी, इसका मतलब ये कि गर्ल्स भी इस पर अप्लाई कर सकती है। अभी यहां पर कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो फॉर्म यहां पर जो चांसेस है वो है आपके ऑनलाइन के नहीं, जो चांसेस है वो है आपके ऑफलाइन के, बट होना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस भर्ती आई है MES के अंदर वो सभी ऑफलाइन वे में भरे गए हैं, छोड़ करके जो ड्राफ्ट्समैन है और सुपरवाइजर की वैकेंसी उनको। बट यहाँ पर मुझे भी लगता है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है तो ये फॉर्म ऑनलाइन ही आएगा, और अगर ऑनलाइन आया तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को फॉर्म भरने में सहूलियत हो जाती है, और फिर कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये थी आपके इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, एंड आपको ये ध्यान से बताना है कमेंट करके कि आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे आप इसके बारे में आगे वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।